ऑफ टर्मिनल भी लोग कीजिएगा, नमन आप भी आगे आ जाओगे। एक चीज टर्मिनल वेलोसिटी वाला, कोई बात नहीं बेटे, समझा देते हैं। और बताइए बाकी, उसमें आपका जो रिलेटेड टर्मिनल वेलोसिटी से पहले भी कुछ किया था हमने, दैट वाज, हाँ वो तो क्लियर है ना। चलिए बेटे टर्मिनल वेलोसिटी में एक बार फिर आप फिर बता देता हूँ। आइए बेटे देखें, द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी बेटा, बड़े ध्यान से बच्चों सुनिएगा। टर्मिनल वेलोसिटी जो है, जैसे आप ऑलरेडी डिफाइन भी कर चुके हो, इट इज द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विच अ सॉलिड स्फेरिकल बॉडी विल अक्वायर व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीली मूव थ्रू ए लिक्विड कॉलम फ्रॉम द टॉप टूवर्ड्स इट्स बॉटम। बेटा आप लोगों को याद होगा, लास्ट टाइम आपने एक बेटे कंटेनर ऐसे इमेजिन किया था। इस कंटेनर में आपने, या लिक्विड कॉलम कह लो, कंटेनर मत कहो आप, आपके पास कोई लिक्विड कॉलम है और इस लिक्विड कॉलम में आपने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को बेटे जेंटली ड्रॉप कर दिया। दिस इज योर लिक्विड कॉलम डियर चिल्ड्रन, और आपने इस लिक्विड कॉलम में जेंटली एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को बेटा ड्रॉप किया, और इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस आपने स्मॉल आर बोला था। इसकी डेंसिटी आई होप आपने रो बोली होगी, लिक्विड की डेंसिटी आई होप आपने सिग्मा बोली होगी, है ना बेटा। तो जब ये आपका स्फेरिकल बॉडी इस लिक्विड कॉलम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए ये यहां पे पहुंच गया, इसके ऊपर कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर उनका एनालिसिस करें, एक तो बच्चों इसका वेट W वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है ना बेटा। एक इसमें बेटे आप थ्रस्ट लगता है, और एक इसके ऊपर बेटा जो है आपका जो है स्टोक्स फोर्स, वो भी इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में हमने नोटिस किया था। इन अगर आप दोनों फोर्सेस को देखो, एक बॉयंट फोर्स अपवर्ड लग रहा है, एक स्टोक्स फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस जब आपके ऑब्जेक्ट के वेट को कंप्लीटली बैलेंस कर लेंगे, तो इसके ऊपर नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट विल बी जीरो। और उस टाइम पर बड़े ध्यान से समझने वाली बात है बच्चों, अगर नेट फोर्स आपकी इस पे जीरो हो गई, फोर्स आपका एम इंटू ए होता है, ये जीरो हो गया, और एम इंटू ए को आप पी माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हो, ये जीरो हो गया। एम जीरो नहीं है, टी जीरो नहीं है, v माइनस यू विल हैव टू बी जीरो, v विल हैव टू बी इक्वल टू यू। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ये डियर चिल्ड्रन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी ही आपकी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। हम उसको आइए 2 मिनट में एक बार कैलकुलेट करके देख ले कि कैसे हम निकाल पाएंगे। ये आपके समझने के लिए, इसको इसमें नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हो जाती है, वट इज द रीजन फॉर दैट, है ना बेटा। चले निधि आगे, आवाज कम आ रही है आज आपकी, अच्छे बीमार हैं, थोड़ा ध्यान रखा करो अपना। आपके ऑब्जेक्ट का वेट W जो है, इट इज कीपिंग इन बैलेंस विद द थ्रस्ट एंड स्टोक्स फोर्स बेटा। और वंश बेटा, वेट कितना होगा आपके ऑब्जेक्ट का, सारी चीज आपके सामने है, सब कुछ आपके पास है, एम जी, बहुत बढ़िया। एम किसके बराबर होगा, नहीं एम तो मास ही होगा, किसके, मैथमेटिकली क्या लिखूं मैं, बहुत बढ़िया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख दो, तो वॉल्यूम किसको क्या लिखूं मैं, अरे नहीं, 4/3 πr³, ये आपके इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया मास आ गया, जी से मल्टीप्लाई कर दिया वेट आ गया, ठीक है जी। आप थ्रस्ट जितना आपके इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, इसके बराबर का वॉल्यूम लिक्विड का ये डिस्प्लेस करेगा, और वो वॉल्यूम आपका 4/3 πr³ भी है बेटा, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी क्या है अब की बार, सिग्मा। और
जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हमारे पास आ गया, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप थ्रस्ट बेटा, राइट, प्लस स्टोक फोर्स हमारा कितना था नमन, 6 pi eta r v, वेरी नाइस, इनको थोड़ा बहुत हमने रेंज कर देना, और इसमें है ही कुछ नहीं बेटा, इसको टर्म को मैं इधर ले आता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, देखिएगा ध्यान से, 6 pi eta r v, दिस इज 4 by 3 pi r³, ये मैंने कॉमन है दोनों में से कॉमन ले लिया, जी भी कॉमन है, रो माइनस सिग्मा कर दें, चेक करिएगा जरा, कोई मुश्किल तो नहीं लग रही इसमें, और 2 3s are 6, 2 2s are 4 कर दें, आपका पाई कट गया, यहां आर की एक पावर, यहां कितनी 3, कितनी रह गई 2 रह गई, बहुत बढ़िया, तो 3 into v इंटू ईटा भी है, वो दिखा नहीं हमें, दिस इज इक्वल टू 2 by 3 r² इंटू जी रो माइनस सिग्मा, चेक करिएगा कोई टर्म ज्यादा ना हमारी लिखी जाए या कम ना लिखी जाए, फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी, ठीक है, देन आपको तो b निकालना था, इट विल बी इक्वल टू 2 divided by 3, और ईटा को डिनोमिनेटर में ले जाइए, 9 eta, इट इज r² इंटू जी रो माइनस सिग्मा, ये बच्चों आपके पास आ गया टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज अलाउड टू फॉल फ्रीली इन द लिक्विड कॉलम। इसकी एप्लीकेशंस की हमने बात की थी लास्ट टाइम की, बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस बेटा, आपको एक एग्जांपल भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन सीबीएसई वाले कैसे पूछते हैं, कि व्हेन ए सोडा वाटर बॉटल इज ओपन्ड बेटा, द एयर बबल्स दे रश इन द अपवर्ड डायरेक्शन, व्हाई इट इज सो बेटा, वो आपको कहते हैं कि आप इस कंसेप्ट को ऑन द बेसिस ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी इस चीज को एक्सप्लेन करिए। सो ध्यान से देखिएगा, आप इसको इमेजिन कर लीजिए, आपका लिक्विड सोडा वाटर बॉटल में बबल है, ये ऊपर को जा रहा है, ऊपर को तो ये तभी जाएगा अगर ये दोनों का सम इस वेट से ज्यादा हो जाएगा, अदरवाइज तो ये जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो वेलोसिटी है इसको नेगेटिव आ जाना चाहिए तभी ऊपर जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड नहीं जाएगा, और आप इसके नेगेटिव आने के लिए जरूरी है आपका ये डिफरेंस नेगेटिव हो, तो वो तो बच्चों है ही नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इसकी एयर के बबल की या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल की होती है, वैसे आपको पता होगा आई थिंक, है ना बेटा, सो दैट कि आपके उस लिक्विड कॉन्टेंट को अच्छे से प्रिजर्व किया जा सके, राइट, निधि कुछ कह रही है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, ऑल वेल, फिर इधर ध्यान दो, इसकी डेंसिटी जो है एयर कॉलम की, एयर के बबल की रादर, पानी से बच्चों कम है, इसका मतलब है सिग्मा आपका जो है बेटा ये ज्यादा हो गया, रो आपका कम हो गया, ये डिफरेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया, अगर वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है तो इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट कि आपका ये डाउनवर्ड जाने की बजाय अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सो दैट्स व्हाई वी से दैट व्हेन द सोडा वाटर बॉटल इज ओपन्ड, तो वो एडवर्टाइजमेंट्स में भी दिखाते हैं कि फटाफट बबल्स ऊपर जा रहे हैं और लोग दौड़ दौड़ के वो ठंडा पी रहे हैं, तो दैट इज समथिंग लाइक दैट, एडवर्टाइज करने का एक तरीका है उनका, तो बेसिकली वो कंसेप्ट फिजिक्स का यूज करते हैं, राइट बेटे, चले आगे, क्लियर नाउ, यस, ओके गुड, सो बेटे इसके बाद हमारे पास है, आपको याद होगा हमने एक पॉइज़लीज़ इक्वेशन की थी बेटे, याद है कि भूल गए आप, हाँ जी पुत्र, भूल जाते हैं इसीलिए बच्चे हैं, है ना, चलो जब आप नहीं भूलेंगे तो फिर आप सर या मैडम बन जाएंगे, चलिए बेटे आइए देखें बात करके बेटा, पॉइज़लीज़ इक्वेशन क्या है, हाँ जी बेटे, हमें हमारा ड्यूटी है, हमें याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं याद रखेंगे तो फिर आपको क्या गाइड करेंगे, अगर आपको पढ़ाने वाले को नहीं आएगा तो फिर आपको कैसे आएगा, है ना,
तो फिर समस्या हो जाएगी ना। हाँ, पहले पढ़ना पड़ता था, अब नहीं। अब बस थोड़ा टॉपिक अगर आप बता दें कि ये करवाना है, हम वहां से स्टार्ट कर लेते हैं आपको। तो आप भी जब बड़े हो जाएंगे, आपको भी नहीं करना पड़ेगा, दिस इज माई प्रॉमिस। आप जब बड़े हो जाएंगे, मे बी आप में से कोई यहाँ पे आके खड़ा होगा जब, तो हाँ जी वो ही हो गया ना, डॉक्टर बनोगे तो आपको दवाइयां, बेटे मेडिसिन नहीं लिख के दोगे पेशेंट्स को, तो आप बुक थोड़ी खोलोगे कि इसको ये मैंने ये तो बेटे वो ऐसा ही चीज होता है, वो भी आपको मेडिसिन याद रखनी पड़ेगी। चलो अच्छी बात है, फिर ऐसे ना हो कि वो पेशेंट कहे कि हमारे डॉक्टर देख रहे हैं तो सर्च कर रहे हैं, तो इससे अच्छा हम कर लेते हैं सर्च, ऐसा भी हो जाता है। चलिए एनी हो बेटे, दैट वाज समथिंग लाइक अदरवाइज। सो आइए देखें, जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे आपका सब कुछ इंप्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा, डोंट वरी। वाइजली इसी क्वेश्चन बेटे, आप मेरी बात, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए पुत्र। मैं भी कभी टेंथ में भी था, इलेवेंथ में भी था, मैं बिना टेंथ इलेवेंथ के सीधा थोड़ी सर बन गया हूँ, मैं पढ़ के ही बना हूँ और काफी अच्छे से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ऐसे ये मे बी ड्यू टू द लॉकडाउन एंड ऑल दैट आपको थोड़ा लग रहा होगा, अदरवाइज इतना है नहीं है। दिस इज वेरी इजी बेटा, बहुत आसान है, और केमिस्ट्री इससे भी इसी है, समझते हैं कि नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, केमिस्ट्री जो है वो ज्यादा स्कोरिंग है, आसान भी बहुत ज्यादा है। जिस नहीं 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 नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, केमिस्ट्री में मेरे नंबर ज्यादा आते होते थे, फिजिक्स में कम आते थे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक आपका जो है, ऑर्गेनिक में और फिजिकल केमिस्ट्री में जी नहीं, वो उस टाइम पे हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। यू माइट हैव हर्ड अबाउट पीपी सिंह सर से पढ़े हैं हम डीएवी कॉलेज में, एक एसपी पुरी सर होते थे, वो एक हाथ से रिएक्शन लिखते थे, एक हाथ से प्रोडक्ट साथ साथ लिखते थे वो। अभी मुझे पता नहीं वो प्रेजेंटली हैं कि रिटायर हो गए हैं। एसपी पुरी सर भी होते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे हमें, और एक डॉक्टर एस एल अग्नीश होते थे फिजिकल केमिस्ट्री, क्या इतना बढ़िया पढ़ाते थे बेटे, आई कांट से, कभी मतलब एक नंबर भी हमारा जो है वो कटा नहीं था। तो ये चीज फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री में ज्यादा बाकी ऐसे। आइए देखें बेटे क्वाइजली के ऊपर वापस लौट आए। आपका ये एक बेटे ट्यूब है, इस ट्यूब में आपने किसी लिक्विड को बच्चों फ्लो करवा दिया, और ये ट्यूब के दोनों जो एंड्स हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड, इन एंड्स के बीच में पी के बराबर का प्रेशर डिफरेंस आपने क्रिएट किया, जैसे भी आप कर सकते हैं, राइट बेटा? इसका डियर चिल्ड्रन ट्यूब का रेडियस आपने आर कह दिया, और इस ट्यूब का लेंथ आपने कह दिया एल बेटे। और बच्चों इसमें आपने जब लिक्विड फ्लो करवाया तो आपका लिक्विड कुछ इस तरीके से बेटे, जरा ध्यान से देखिएगा। आपने फ्यू डेज बैक बात की थी कि लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में चलता है, तो इट विल फ्लो जस्ट इन दी फॉर्म ऑफ द लेयर्स। तो ये लेयर्स जो है सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, जैसे जैसे आप एजेस की तरफ आओगे तो वेलोसिटी जो है वो कम होता जाता है ना बेटा? और आपके लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। पॉइज़लीज़ इक्वेशन हमें बताता है कि जब भी आप लेमिनार फ्लो की बात करते हैं किसी ट्यूब में से, देन बेटे रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड वी, इट इज इक्वल टू पाई पी आर फोर ओवर एट ईटा एल। V is not the volume,
इट इज द रेट ऑफ फ्लो बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड इट इज इक्वल टू पाई पी आर फोर ओवर एट ईटा एल। आप पाई अपॉन एट को के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हो। सो डियर चिल्ड्रन, एक्सपेरिमेंट करके ये बात नोटिस की गई, ये देखा गया कि रेट ऑफ फ्लो जो है ये प्रेशर ग्रेडियंट की पावर ए पे डिपेंडेंट है। प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया ना बेटे, आपने डायमेंशन के टाइम पे किया होगा ये रिलेशनशिप, हम अभी भी करेंगे दो मिनट में। एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ट्यूब पावर बी एंड ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इसकी पावर सी कर दिया आपने। इनको डियर चिल्ड्रन आप कंबाइन कर लीजिए, तो जब आप कंबाइन करोगे आपके पास रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा जी प्रेशर ग्रेडियंट की पावर ए, आर की पावर बी, ईटा की पावर सी। फिर आपने ये साइन बेटे हटा दिया, यहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बन गया पी अपॉन एल पावर ए आर पावर बी ईटा पावर सी कर दिया। आप इसको इक्वेशन नंबर वन बेटे कह सकते हैं। तो अब हम बेटे डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको डायमेंशनली कर सकते हैं हम, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रेजेंटली करना हमारे लिए। रेट ऑफ फ्लो बेटा निधि, इसकी क्या डायमेंशन होंगी? एल थ्री टी माइनस वन, बहुत बढ़िया, एम जीरो एल थ्री टी माइनस वन। के आपने ऐसे ही देने दिया, प्रेशर ग्रेडियंट की जरा निकालिएगा, प्रेशर अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ, फोर्स एम वन एल माइनस टू टी माइनस, देखिए क्या आता है करके देखिए, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन एल, क्या बना भाई बच्चों? हाँ जी हाँ जी करिए, एम वन एल माइनस टू के वन, माइनस टू नहीं आना चाहिए। प्रेशर आपका फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, एरिया से डिवाइड करोगे एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू हो गया, एक और लेंथ से डिवाइड करोगे एम वन एल माइनस टू टी माइनस टू। अदिति ऐसा ही है, इसकी पावर ए कर दें बच्चों। रेडियस तो लेंथ ही होता है ना, एल वन पावर बी, ईटा, ईटा याद है कि भूल गए? हाँ जी ईटा याद है कि भूल गए? एम नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए, एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन की टू वन, अभी कल ही तो निकाल रहे थे हम एम वन, हाँ जी, और कल का मतलब है लास्ट पीरियड में, लास्ट पीरियड में आप कर रहे थे बेटे। दीक्षा, दीक्षा है कि दिशा है? दीक्षा, क्या नहीं समझ आया आपको? विस्कोसिटी वाला कंसेप्ट हमने लास्ट टाइम किया था, मैं वही आपको बताने जा रहा था। आपने विस्कोसिटी का फॉर्मूला लास्ट टाइम लिखा होगा, आप लिखवाएंगे मुझे ईटा एफ बाई एरिया और डीवी बाई डी एक्स, इसको आप वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ कह सकते हो, ये फोर्स है ये एरिया है, पुट कर दो आ जाएगा, क्या दिक्कत है? इच्छा शक्ति होनी चाहिए मन में, है ना, हो जाएगा दीक्षा? ओके करके देखना, वैसे मैंने आपको बोला था जैसे जैसे हमारी नई टर्म्स आती जाएंगी ना आप साथ साथ इनका करके देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको अगर ये क्वेश्चन डालेंगे डायमेंशन निकालने का वो वहां से नहीं डालेंगे, अब जो नई टर्म्स आ रही है वो इनमें से डालेंगे आपको, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, राइट। चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास राइट साइड पे आ गया के एम की पावर ए आ गया जी, प्लस बी आ गया और माइनस सी भी आ गया, नहीं बी तो नहीं आया, बी नहीं आया,
ए प्लस सी, ठीक है जी, चेक करते जाइएगा साथ साथ, एल की पावर माइनस टू ए प्लस बी, बहुत बढ़िया, टी की पावर माइनस सी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन तो हमें अच्छे से आता है, एम की डायमेंशन दोनों तरफ कंपेयर कर दो, एल की कर दो, टी की कर दो, आपके पास ए बी सी आ जाएगा, सो ए प्लस सी इट मस्ट बी जीरो, माइनस टू ए प्लस बी माइनस सी इट शुड बी थ्री, माइनस टू ए माइनस सी शुड बी माइनस वन, है ना बेटा। अब आप फटाफट सॉल्व कर दीजिए इनको और ए बी सी निकाल दीजिएगा, लेट मी राइट बेटा, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू फोर, सी इज इक्वल टू माइनस वन कह रहे हो, सबका बच्चों का आ गया बेटा, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो आइए पुट कर देते हैं वैल्यूज, वी विल गेट रेट ऑफ फ्लो जो है के पी अपॉन एल पावर ए वन है, आर पावर बी फोर हो गया, ईटा पावर माइनस वन हो गया, और आपने लिखा इट इज के पी आर फोर अपॉन ईटा इंटू एल, यहां आप लिख लीजिए वी इज इक्वल टू पाई पी आर फोर ओवर एट ईटा एल, राइट बेटा, चेक कर लीजिए, किसी का नहीं बन रहा तो बता दीजिए फिर आगे चले, नहीं तो अदरवाइज बेटा डियर चिल्ड्रन चलें जी। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है बेटे क्रिटिकल वेलोसिटी का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमें एक और भी बात ध्यान में रखिएगा, टर्मिनल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी दोनों एक जैसी है, इनके साथ आपने बच्चों को मिक्स हो जाती होती है दोनों टर्म्स, इनके इनके बीच में क्लियर कट डिफरेंसेस आपके माइंड में रहने चाहिए हमेशा। करे साठ ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी बेटे जो है ये आपके लिक्विड फ्लो की जो टाइप है, किसको नहीं समझ आया दीक्षा बेटे, क्या नहीं समझ आया, ये निकाल के देखना, फ्री टाइम में करके देखना, डायमेंशनल एनालिसिस है, आराम से घर पे बैठ के आप करके देखना, हो जाएगा। हां जी पुत्र जी, क्रिटिकल वेलोसिटी का कंसेप्ट है, दो मिनट का काम है, हम जल्दी कर लेंगे, डोंट वरी। क्रिटिकल वेलोसिटी बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी बेटे मैं फ्यू टर्म्स डिफाइन करूंगा, लेकिन बाद में पहले आपको वैसे समझा देता हूं। कई बार आप टैप को जब ओपन करते हो, पानी वाली टैप, उसमें से पानी का जो आउटफ्लो है वो बड़ा स्मूथ होता है, किसी खास पॉइंट पर जाकर जब जितना ओपन करते हो, अगर आप पानी को थोड़ा और ज्यादा टैप को ओपन कर दो, वो पानी बड़ा इरेगुलर सा आता है, वो कई बार उसका नॉइस भी हो जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता, और ड्रॉपलेट्स इधर उधर भी गिरती हैं, तो वी डोंट लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट यू माइट हैव एक्सपीरियंस, है ना बेटा। तो पानी का किसी भी पाइप में से फ्लो, पानी भी नहीं मुझे कहना चाहिए, लिक्विड कह देना चाहिए, लिक्विड भी छोड़ दीजिए, फ्लूइड कह लीजिए आप, फ्लूइड का किसी भी पाइप में से जो बिल्कुल स्मूथ सा फ्लो होता है उसको बोल देते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, बिल्कुल स्मूथ, पता ही नहीं चलता कि पानी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमें भी अच्छा लगता है। एक होता है इरेगुलर सा फ्लो, इधर उधर पानी गिरता रहता है, कभी इधर गिर गया थोड़ा सा, कभी इधर, जब टैप खराब हो जाती है तब वो ये प्रॉब्लम आती है, तो दैट इज कॉल्ड बेटे टर्बुलेंट फ्लो। इन ये सारे आपके क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड के साथ रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी फिर क्या चीज है, किसी भी लिक्विड के फ्लो की वो वेलोसिटी जिससे नीचे अगर लिक्विड की वेलोसिटी होगी तो लिक्विड बेटा स्ट्रीम लाइन या स्मूथली फ्लो करेगा, और अगर इससे ज्यादा हो जाएगी तो उसका फ्लो इरेगुलर या टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। सो क्रिटिकल वेलोसिटी एक खास वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से नीचे नीचे अगर आप अपने लिक्विड की वेलोसिटी रखोगे
तो आपका स्मूथ फ्लो होगा, अगर आप वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो वो स्मूथ नहीं रहेगा। तो आइए थोड़ा डिफाइन कर लें साइंटिफिक वे में। क्रिटिकल वेलोसिटी आप वी सी से डिनोट करते हो बेटा। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी बिलो विच द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीम लाइन एंड अबव विच द फ्लो इज टर्बुलेंट। ये इरेगुलर वैसे लिखना नहीं चाहिए, इट इज नॉन साइंटिफिक टर्म, टर्बुलेंट ही लिखना चाहिए, फिर भी आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब इट एक्सपेरिमेंट करके ये नोटिस किया गया है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंडेंट है, ईटा पे डिपेंडेंट है कि आपका लिक्विड जो है इसकी विस्कोसिटी कितनी है। सेकेंडली ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंडेंट है बेटा, तो आप क्रिटिकल वेलोसिटी को लिख सकते हो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड। आप डेंसिटी को कई बुक्स वाले डी भी लिख देते हैं, कई रो लिख देते हैं। और तीसरी बात, आप जिस पाइप में से फ्लो ऑफ द लिक्विड इमेजिन कर रहे हो उस पाइप का क्रिटिकल वेलोसिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है रेडियस की पावर सी पे डिपेंडेंट है। आप इन पैरामीटर्स को कंबाइन कर लीजिए, इट इज ईटा रेस टू पावर ए रो रेस टू पावर बी आर रेस टू पावर सी एंड दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी, दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ईटा ए रो बी आर सी। जरा निकालेंगे डायमेंशनली, बिल्कुल सेम अभी अभी आप कर रहे थे, ईटा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो डेंसिटी, आर रेडियस ऑफ द ट्यूब थ्रू विच द लिक्विड इज फ्लोइंग। मैं थोड़ा डायग्राम बनाकर आपकी हेल्प भी कर सकता हूं बच्चों। इमेजिन कर लीजिएगा ये आपका एक पाइप है, इस पाइप में से एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये आपका पाइप और पाइप का बच्चों रेडियस आपका आर और क्या दिया हुआ है, लिक्विड इसमें से जा रहा है आपका, जाने दीजिए दिस इज द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब और द पाइप, इसकी वेलोसिटी वी सी कह दी हमने, इसका लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है और क्या रह गया, रेडियस हो गया, रो हो गया, डेंसिटी हो गई इसकी रो। हाउ मच ए बी सी आर टर्निंग आउट टू बी प्लीज। ऑनलाइन में अंजलि, अर्षप्रीत, राघव, इश्नूर, हरमन, जशनप्रीत, ख्याति, मंजोत, मिताली, बेटे आप भी निकालिए सारे स्टूडेंट साथ साथ। जशन नहीं है हमारी क्लास में कोई है? एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ जपनप्रीत है, सॉरी मैं गलत बोल गया, जल्दी जल्दी में। ए इज इक्वल टू डियर चिल्ड्रन वन, बी इज माइनस वन, सी इज माइनस वन। सारे स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लीजिएगा इज इट देयर। सो फिर आपका क्रिटिकल वेलोसिटी बच्चों किसके बराबर बना, इट इज के ईटा रेस टू पावर वन रो रेस टू पावर माइनस वन एंड आर रेस टू पावर माइनस वन, है ना बेटा। एक बार एडजस्टमेंट कर लिए अगर टर्म्स की हम बेटा, तो वी माइट बी गेटिंग दैट आपका जो क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी है इट इज इक्वल टू के ईटा अपॉन रो इनटू आर। तो डियर चिल्ड्रन क्रिटिकल वेलोसिटी इन फैक्टर्स पर इस तरीके से डिपेंडेंट है। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो बेटे ऑटोमेटिकली आपका क्रिटिकल वेलोसिटी, आप ज्यादा वेलोसिटी पे लिक्विड को स्मूथली फ्लो करवा सकते हैं। और इन फैक्टर्स का भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा कि ये फैक्टर्स आपको किस तरीके से क्रिटिकल वेलोसिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, कम कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल टेक अप लेटर ऑन। थैंक यू ऑल बेटा, इसको थोड़ा सा जरूर एक बार लिख के देखिएगा। थैंक यू ऑल।